मेरे पास है आपके लिए बात आज कुछ खास। वैसे हमारे लिए खास है क्योंकि राखी की बकवास है जिसे आप सुनकर बहुत ही एंजॉय करते हैं। आई नो इट वेरी वेल। बात है लाइफ ओके के शो वेलकम बाजी मेहमान नवाजी की, जिसमें आजकल राखी सावंत जरा सब पर छाई हुई हैं। आई मीन अपनी बकवास करके वो सबका बैंड बजा रही हैं। हाँ, राखी इस मेहमान नवाजी में संग्राम के घर में जाके महासंग्राम करती नजर आई और आंचल के घर जाकर भी काफी बदतमीजियां उसने की और लगे हाथों राखी ने ऐसे सवालों के बड़े फनीस्ट जवाब दिए जिनको सुनकर आप हंसे बिना नहीं रहेंगे, जैसे कि उनकी आदत है। तो जरा गौर फरमाइए इस इंटरव्यू पर। आप लोग यहाँ पर मेहमान नवाजी कर रहे हैं, बना रहे हैं, खिला रहे हैं, खा रहे हैं, सबसे पहले अगर मैं किसे खिलाना चाहूँगी ये बॉलीवुड में? अफकोर्स सलमान खान एंड शाहरुख खान, इन दोनों को मैं अपने हाथों से पानी पूरी, रगड़ा पूरी, भेल पूरी ये बना के चटपटा इन दोनों को खिलाऊंगी तो आई एम श्योर इन दोनों में दोस्ती हो जाएगी क्योंकि मेरे हाथों में इतना जादू है। उनको करेले का हलवा खिलाऊंगी। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं चटपटा पानी पूरी मैं राहुल गांधी को खिलाना चाहूँगी बिकॉज इज़ वेरी चार्मिंग एंड आप समझ रहे हो मुझे इतनी शर्मा रही, मतलब आप समझ जाओ अभी थोड़ा। आपने भी मेहमान नवाजी की है, यहाँ तक कि आपने पैर धोने की चीजें दी, वो मुझे बताइए ना वो इंसिडेंट एग्जैक्टली हुआ क्या था? राखी बड़ी नाराज हो गई उनकी दूसरे काफिले नहीं, राखी सबसे ज्यादा खुश थे। राखी जी तो नाराज हो गई, आपने बेल मारते हुए दरवाजा खोला बोला उतारो, मैंने कहा क्या, मैं डर गई तो मैंने कहा जूते उतारो आपके पैर धोने, मैंने कहा हेलो 35,000 के मेरे जूते हैं, मैंने कहा मैं नहा के आई हूँ मुझे नहीं ये सब करना, बता नहीं हमारे गांव का रिवाज है दिन में 5 बार नहाती हूँ मैं, तुम मुझे क्या सफाई करोगे, 5 times नहाती हूँ मैं। और लड्डू 7 जन्म पहले इन्होंने वो लड्डू बनाए थे जो टूटेंगे ही नहीं कभी। एक पुरानी कहावत है कि जैसा खाओ वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसे निकले वाणी। इनको अच्छा खाना खिला था जो एक्चुअली अपनी भारतीय संस्कृति में जो खाना है, और ये उल्टा सीधा रेट्रो फेट्रो ये खा के तो ऐसे ही करेंगे भी झगड़ा करेंगे, प्लेट तोड़ेंगे। रेट्रो उल्टा थोड़ी है, रेट्रो तो लो 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 जो सुन लो ये देखो, खुद ऐसा खाना खाते हैं और रेसलिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या पपियाँ दी जाती है? रेसलिंग में तो लड़ाइयाँ फाइटिंग होती है ना, तो आंचल की तो सारी गलती थी, आंचल ने की 5 दिन से सारी गलतियाँ मैं ही कर रही हूँ, मैं ही हूँ वो जिसने सारी गलतियाँ की है। और वो प्लेट भी जो थी वो जो मेरे घर पे टूटी मेरी प्लेट, वो भी मेरी गलती थी। और इनके पति ने इनको सुहागरात पे प्लेट दी थी और कुछ देने को मिला नहीं था, उनकी फेवरेट प्लेट थी वो जिसका मैंने कल्याण कर दिया। एक्चुअली हाँ मैंने लाउड कहा ऑब्वियसली, और इन्होंने शायद उसको बहुत ज्यादा नेगेटिवली ले लिया। अगर मैं इनको लाउड बोल भी रही हूँ तो इसमें मतलब इतना कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं थी, मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। मैं उसके आगे ये कह रही थी कि ये किसी को बात करने का मौका देती ही नहीं है, मतलब किसी की बात अभी तो दिया, ये देखो देखो ये देखो कब से खा रही मैं इसको मौका दे रही हूँ तो मतलब बीच में ही बात काट देती है, तो मेरा मतलब वो था, बट शायद इन्होंने थोड़ा मिसकंस्ट्रूट कर दिया और उठा के वो प्लेट तोड़ दी। तो हाँ, और वो एग्जैक्टली मैंने उनको ये कहा, थैंक यू कि आपने प्रूफ कर दिया कि जो भी मैंने कहा था कि आप लाउड हो, आपने प्रूफ कर दिया कि मैंने करेक्ट कहा था। और प्लेट तोड़ने के बाद मैंने कहा कि माय डार्लिंग फ्रेंड आंचल, इसे कहते हैं लाउड। प्लेट तोड़ने के बाद जो आपके पति ने आपको सुहागरात पे दी थी, कहा से बीच में आ जाता है हर बार, वो भी सोचता होगा खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर खाना, वो क्यूरियोसिटी हो रही है, पता चला अगले साल दूसरे बड़े बड़े शो में वो होंगे। तो ये थी राखी की मजेदार बातें। खैर इसके अलावा राखी जो आजकल पका रही है वो एक आर्टिकल में हमें पढ़ने को मिला, राखी अब शादी करने वाली है। सुनिए आज की ताजा खबर। राखी का ये कहना है कि भाई अब वो जल्दी शादी कर लेगी। जब हमने उससे पूछा कि मैडम क्या कोई दूल्हा है आपकी नज़र में और क्या ये शादी बहुत जल्दी ही आप करने वाली हैं, तो मैडम ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, शादी मैं 2014 में करूँगी और दूल्हे की तलाश अभी जारी है क्योंकि दूल्हा मिलने की अभी बेकरारी है। कि राखी को कोई आम तो पसंद आएगा नहीं और ऐसा ख़ास लड़का जो राखी को दुल्हन बना के अपने घर ले जाएगा वो इस दुनिया में ये नेवर नो कहाँ होगा। खैर राखी अब चाहती है कि वो शादी कर ले और सेटल हो जाए, हम भी यही दुआ देते हैं कि जल्दी से शादी कर लो ताकि लोगों पर जो तुम अत्याचार करती हो वो कम से कम वो तो दूर हो जाए और लोग तुमसे बच जाएं। खैर फिलहाल बने रहिए आप मेरे साथ और देखते रहिए दुनिया भर की तमाम बातें और मज़ेदार राखी की मज़ेदार बातें। चलिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि आप देख रहे हैं रूबी अनसेंसर्ड और कोई भी खबर मेरी नज़र से नहीं छूटी।
यही तो है रूबी की खूबी। कीप ऑन वॉचिंग रूबी अनसेंसर्ड।